हेलो फ्रेंड, माय अपना सागर चैनल में आप सबका वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन ई और आमला और खोपरे तेल का जो मिश्रण है उसके बारे में बताऊंगा, जो बालों की समस्या जो होती है, जो बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, उसके लिए उसका क्या यूज है उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों के वीडियो को पूरा देखें और पूरा वॉच करें। तो देखिए दोस्तों, ये है आमला तेल। देखिए दोस्तों, ये है आमला तेल, डाबर आमला, यानी कि आप किसी भी आमला तेल का इसमें यूज कर सकते हैं आप। और ये देखिए, ये खोपरे तेल है, तो ये कोकोनट ऑयल, इसका यूज आप किसी भी कंपनी का ऑयल, अच्छी कंपनी का होना चाहिए कोकोनट ऑयल, किसी भी कंपनी का हो लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए कोकोनट ऑयल। ये देखो, ये दोस्तों, इसमें मैंने आमला तेल और खोपरे तेल दोनों मिक्स किया हुआ है। 100 ml इसमें आमला तेल डाला हुआ है और 100 ml ये जो है कोकोनट ऑयल है इसमें, और इसमें 10 कैप्सूल जो है वो विटामिन ई की इसमें डाली हुई है। तो दोस्तों, इसका जो मिक्स है इसको पूरी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपको जो है इसको जो सिर के जो बालों की जड़ होती है उसकी तल पे लगाना है, और उसका जो है वो हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना है। और उसके बाद आपको इसका जो है ऑर्गेनिक किसी शैम्पू का यूज ना करें, किसी हर्बल या आयुर्वेदिक शैम्पू का इसमें यूज करें। तो हफ्ते में 2 बार आप अगर बाल को वॉश करते हैं, हेयर को, और 2 बार इसको, यानी कि एक हफ्ते में आपको 2 बार इसको तेल लगाना है बालों में, जड़ों में, बालों पे, जड़ों पे लगाने से ज़्यादा फायदा होगा इसमें। और जो है हफ्ते में 2 बार इसका शैम्पू का जो यूज करें आप बाल धोने में, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। जो बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, जो महिलाओं में, गर्ल्स में प्रॉब्लम रहती है, तो इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और विटामिन ई जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और आमला तेल है वो भी बालों के लिए अच्छा है, और ये कोकोनट ऑयल्स ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने दोस्तों आपको ये बता दिया, पूरी जानकारी दे दी आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।